सो गाइस एप्पल ने अपने कुछ नए एप्पल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, किस किस प्राइस रेंज पे लॉन्च हुए हैं और वो कब तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम 3 रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का गिव अवे कर रहे हैं, उसकी वीडियो आपको यहाँ आई आइकन में मिल जाएगी। उस पर हमने 300 लाइक का टारगेट रखा था और वो टारगेट अचीव भी हो गया, तो जल्द ही हम गिव अवे के रिजल्ट की वीडियो चैनल पर डालने वाले हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ। तो पहला प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है एयर टैग्स। तो जैसे आप देख सकते हैं आपको इस टाइप के एयर टैग्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आप इसको अपने बैग वगैरह में लगा सकते हैं या फिर आपको की चेन में लगाना है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसको आप डायरेक्टली फाइंड माई फोन की जो एप्लीकेशन आपके आईफोन में है वहां से डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ का फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको NFC का फीचर भी दिया हुआ है। अगर प्राइसिंग की तरफ देखें तो एप्पल ने इसको 2 वेरियंट में लॉन्च किया, या तो आप 1 ले सकते हैं या फिर 4 ले सकते हैं। 1 का प्राइस रखा हुआ है ₹3100, वहीं अगर 4ों की बात करो चारों का प्राइस आपको ₹10,000 के आसपास मिलने वाला है। और जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया वो है इनका Apple TV 4K। तो Apple TV 4K पहले भी आता था लेकिन अब इसमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करके इन्होंने दोबारा इसको लॉन्च किया है। अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको A12 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 32GB वाला और 64GB वाला। अगर इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो ये अब आपको 4K HDR सपोर्ट भी देने वाला है। सो अगर आपके पास HDR के कंटेंट है तो उसमें आपको HDR का मजा भी आने वाला है। और मैं आपको बता दूंगा अगर आपके पास iPhone 12 है और आपने iPhone 12 पे Dolby Vision में कोई वीडियो शूट किया तो आप उसको डायरेक्टली अब अपने TV पे देख सकते हैं। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी मिल जाता है, आप अपने आईफोन का लाइट सेंसर यूज करके आप अपने TV की ब्राइटनेस और कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको TV के सेटिंग्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने आईफोन से ही इसके कलर्स और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको न्यू सीरी रिमोट भी मिल जाता है। और अगर इसकी प्राइसिंग की तरफ देखें तो अगर आप इसका 32GB वाले वेरियंट ले रहे हैं तो आपको पे करना होगा ₹19,000 के आसपास, वहीं अगर आप इसके 64GB वाले वेरियंट के साथ जा रहे हैं तो वहां पर आपको पे करना होगा ₹21,000। तो अगला प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया वो है न्यू iMac, जिसमें आपको बेहतरीन डिजाइन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपको एक काफी ज्यादा कलर ऑप्शन में देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको इनकी लेटेस्ट चिप M1 चिप देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो इसमें आपको 11.5mm की थिकनेस दी हुई है। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं, जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये स्मार्टफोन iPhone 12 ये 8mm थिकनेस का है और इसमें 3mm और जोड़ देंगे तो हमारा एक वो iMac बन जाता है। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कितना थिन ये iMac होने वाला है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टच आईडी का सपोर्ट मिल जाएगा, 4 USB टाइप सी के पोर्ट दिए हुए हैं, इथरनेट का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको पुराने वाले iMac से 85% फास्टर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर GPU की बात करें तो GPU भी 2 times फास्टर इसमें मिलने वाला है। इसमें आपको फुल HD वेबकैम भी दिया हुआ है और अगर आप मूवी वगैरह ज्यादा देखना पसंद करते हैं तो इसमें आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, वो स्पीकर डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट भी करते हैं, तो इससे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर प्राइसिंग की तरफ देखो तो इसका प्राइस शुरू होता है ₹1,19,900 से और इसका हायर वेरिएंट का प्राइस जाता है ₹1,59,900। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रोडक्ट की तरफ जो इन्होंने लॉन्च किया वो है इनका नया वाला iPad Pro 2021। इसमें भी आपको इनकी लेटेस्ट चिप M1 देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 50% फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी प्रीवियस वाले iPad से। अगर इसके GPU परफॉर्मेंस की बात करें तो GPU में आपको 50 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसमें आपको 5G का सपोर्ट दिया हुआ है, USB टाइप सी थंडरबोल्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास Xbox 5 सीरीज का या फिर PS5 का रिमोट कंट्रोलर है तो आप उसको इसमें अब यूज कर सकते हैं। अगर आप गेम वगैरह खेलना चाह रहे हैं तो आप उसकी मदद से काफी अच्छा गेम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और सेंटर स्टेज का एक फीचर भी डाला है। सो अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता रहेगा आप वीडियो के दौरान, और अगर आपकी वीडियो में 2 लोग आ जाते हैं तो आपको अल्ट्रा वाइड कैमरे पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें आपको 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू भी देखने को मिलेगा। सो मशीन लर्निंग की मदद से ये आपके मोशन को ट्रैक करता रहेगा। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट शुरू होता है 71,000 से और इसका हायर वेरिएंट जाता है ₹99,900 का। मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्क्रीन साइज मिल जाता है, एक 11 इंच के साथ उसमें आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है, वहीं एक मिलता है आपको 12.9 इंच की डिस्प्ले के साथ उसमें आपको लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले के मामले में भी काफी अच्छे आईपैड्स
होने वाले हैं। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये मई में अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आपको खरीदने तो डायरेक्टली आप इनकी एप्पल ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ये अब इंडिया में भी आ गई है। सो अगर आपको इनमें से कोई से भी प्रोडक्ट को चेकआउट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्पल की वेबसाइट का, वहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली इनको चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।